और इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई के नजदीक जहां भाईंदर इलाके में एक बैग में लड़की का शव मिला है। शव से सिर गायब है, लड़की के हाथों में त्रिशूल और ओम के टैटू बने हुए हैं। लड़की की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक ये शव 3 से 4 दिन पुराना हो सकता है। पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई से ही लगा हुआ भाईंदर खाड़ी का इलाका जहां पर एक लड़की का शव मिला है और इसमें त्रिशूल और ओम बना हुआ है, ऐसे में मुंबई के भाईंदर खाड़ी इलाके में लड़की का ये बगैर सिर वाला शव मिला है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, कुछ पता चल पाया, शिनाख्त हो पाई अब तक? देखिए प्रशांत, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस उसी कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि जो पातल बंदर का जो इलाका है, उत्तर इलाके में जो भाईंदर का इलाका है, वहां पर बॉडी मिली है। एक पॉलिथीन के अंदर ये बॉडी मिली और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि उस बॉडी में उसका जो सिर का हिस्सा है वो गायब है और यही दिक्कत आ रही है पुलिस को बॉडी को शिनाख्त करने के लिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए और ये बॉडी कहां से आई, कैसे आई या किसी ने कैसे फेंकी, ये तमाम जो जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। खबर है कि पाकिस्तान सरकार एक बार टीटीपी से शांति वार्ता शुरू कर सकती है और ये दावा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने की है। बताया ये गया कि अफगान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की की पाकिस्तान सरकार को दी गई सलाह और मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति के तहत पाकिस्तान सरकार टीटीपी से शांति वार्ता शुरू कर सकती है। वहीं पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा विभाग ने भी अब पोस्टर जारी करके दावा किया है कि मई महीने में उसने कई आतंकी संगठनों के 65 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि करीब 270 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके जवाब में टीटीपी ने पोस्टर जारी करके दावा यह किया कि मई महीने में उसने पाकिस्तान सुरक्षा बल पर 76 हमले किए और 87 लोगों को मार गिराया। ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से जुड़ी एक बेहद अहम खबर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का यह दावा है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए अब तैयार है, टीटीपी से शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि इसके पहले सरकार की ओर से सीधे आतंकी करार दिया गया था, लेकिन अब ये एक नई पहल। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, क्या अब ये माना जाए कि सरकार भी मान रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो हालात कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसीलिए भी अब इस तरह की कवायद, चाहे वो किसी आतंकी संगठन की ओर से कोशिश की जा रही हो? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तानी सरकार को ये नसीहत दी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से झगड़ा न करें, उनसे सुलह की बातचीत करें और अपने मामले को सुलझाने। तब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेहद उत्साहित है और यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार पर बनते दबाव को देखकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि बातचीत करने के लिए कौन सी शर्तें होंगी, कौन सा मार्ग हुआ, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान तय करेगा। यानी पाकिस्तान सरकार तय नहीं करेगी। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बदले हैं और जिस तरह से वहां पर खून खराबा लगातार जारी है, उसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान सरकार आने वाले दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वार्ता करने को मजबूर होगी और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अनेक बार पाकिस्तान सरकार को सलाह दे चुके हैं। यानी पाकिस्तानी सरकार मजबूरी होगी, इसका असर क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।